तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो देख ही रहे हैं, तो आज किस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भैया ओप्पो वीवो के फ़ोन MI और रियलमी से क्यों ज़्यादा बिकते हैं ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में भी बिकते हैं, नॉट ज़्यादा लेकिन बराबर तो बिकते ही हैं, ऐसा क्यों है, जबकि जो ओप्पो वीवो के फ़ोन होते हैं उनमें कुछ ऐसा खास होता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं क्यों, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर से मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है डिज़ाइन को लेकर। जी हाँ, जो ओप्पो और वीवो के फ़ोन आते हैं, ओप्पो का मतलब थोड़ा सा कमी समझो, लेकिन वीवो के जो फ़ोन आते हैं उनके डिज़ाइन काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं, नहीं वाकई काफ़ी कमाल के और स्लीक डिज़ाइन होते हैं, मतलब पतले से पतला फ़ोन बनाने की कोशिश करते हैं और ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हुए मतलब टारगेट लेते हुए अपने फ़ोन्स को लॉन्च करते हैं। और ज़्यादातर फ़ोन्स उनके स्लिम होते हैं और मैं बोलूँगा इन हैंडी, मतलब हैंड फ्रेंडली होते हैं। अगर आप उनको हैंड में यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता भाई साहब एक अलग से चीज़ काफ़ी भारी पकड़े हुए हैं हम लोग, जिसको यूज़ करना मुश्किल हो रहा है। नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं लगभग 170-180 ग्राम के आसपास आते हैं उसके सारे ही फ़ोन, और वैसे भी बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी यूज़र्स जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते हैं भाई साहब कि हमारे फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है या नहीं है, 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है कि नहीं है, टाइप सी पोर्ट है नहीं है, फास्ट चार्जिंग है नहीं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। उन लोगों को बस लाइट वेट फ़ोन चाहिए और कैमरा ठीक ठाक होना चाहिए। भाई साहब वीवो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करता है अपने कैमरे में, कैमरा भले ही 12 मेगापिक्सल का हो लेकिन फ़ोटो आप लोगों को बहुत ही अच्छी और मतलब अच्छे कलर्स के साथ में निकाल कर देता है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न हो जाता है वीवो के फ़ोन ज़्यादा, ओप्पो और वीवो के फ़ोन ज़्यादा बिकने का। और बात कर लेते हैं प्रोसेसर को लेकर, तो प्रोसेसर उसमें काफ़ी हल्के लगे होते हैं, मैं बोलूँगा कोई भी फ्लैगशिप टाइप या फिर एक हाई प्रोसेसर नहीं लगा होता है कि भाई साहब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 या फिर 665, नॉर्मली मीडियाटेक के प्रोसेसर या फिर क्वालकॉम का कोई भी हल्का फुल्का प्रोसेसर उठा लेते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन भाई साहब वो इतने अच्छे से करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आती है नॉर्मल यूज़र को फ़ोन को यूज़ करने में। दिस इज़ द मेन पॉइंट कि जो भी यूज़र है उसको मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उसके पास जो भी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट उसके पास जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हो, नॉट फॉर 6 या फिर 1 ईयर, क्योंकि कई सारे यूज़र्स होते हैं जो एक बार फ़ोन ले लिया तो लगभग 3-4 साल तो चलाते ही हैं। लेकिन MI के फ़ोन्स में और Realme के फ़ोन्स में ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी है, क्योंकि वहाँ पर ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, टच रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है, ओवरऑल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब 1 साल यूज़ कीजिए फ़ोन को उसके बाद आप उसको हटा दें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कुछ ना कुछ नया। जी हाँ, अब मेरे पास अगर कोई भी फ़ोन है नॉर्मल से ये फ़ोन है और इसमें 64 MP कैमरा है, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग है, ठीक है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं नया फ़ोन लूँ तो क्यों लूँ यार, कुछ तो उसमें अच्छा होना चाहिए। अब ये क्या कि जो चार्जिंग है वो 30-35 वाट की हो गई, 40 वाट की हो गई, तो क्या ही फ़ायदा अपडेट करने से। लेकिन वीवो के और ओप्पो के फ़ोन में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है, जैसे कि वीवो V21 आया, वहाँ पर आप लोगों को 44 MP की सेल्फी देखने को मिली, OIS भी देखने को मिलता है आप लोगों को उसमें, तो ये चीज़ है। और दूसरा है डिज़ाइन को लेकर, जैसे कि और कंपनी है डिज़ाइन कुछ खास मतलब फ़र्क नहीं है उन लोगों को, नॉर्मली ग्लॉसी सा लुक दे दिया या फिर ग्लास लगा दिया, ब्लू है ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर वीवो और ओप्पो क्या करती है मतलब बैक साइड में प्लास्टिक भले ही हो लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अच्छे अच्छे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और वैसे भी ग्लास वगैरह पे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन दिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना एक अच्छा डिज़ाइन देने की। लेकिन यहाँ पर ओप्पो वीवो विनर हो जाता है डिज़ाइंस को लेकर, क्योंकि वो बैक साइड में काफ़ी प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देता है हम लोगों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर दिया करो। तो आज इस वीडियो पसंद आया था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई एक्साइटिंग और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय राम जी की।